आज का बहुत ही कम सिंपल केक है। व्हाइट क्रीम से फिनिशिंग रहेगा इस केक का। साइड में रेड कलर का फ्लावर रहेगा और ग्रीन कलर का पत्ता रहेगा। केक में कुछ ज़्यादा है नहीं, एकदम सिंपल केक है। अभी तक का सबसे सिंपल केक है ये। आप लोग वीडियो बना रही है इस केक का पूरा वीडियो देखने के लिए। केक को भी व्हाइट क्रीम से फिनिशिंग कर रहे हैं। व्हाइट क्रीम से फिनिशिंग करने के बाद इसको कटिंग नाइफ से चारों साइड से क्रीम निकाल लेंगे। जितना एक्स्ट्रा क्रीम होगा सभी को क्रीम को निकाल लेंगे। उसके बाद डोम पत्ती से फिनिशिंग करेंगे, जो हमेशा जैसे करते हैं वैसे इसको भी फिनिशिंग करेंगे डोम पत्ती से। उसके बाद टूथपिक से हल्का हल्का डिजाइन करेंगे साइड में और रेड कलर का ड्रॉपिंग करेंगे एकदम छोटा हुआ नोजल से। वीडियो आप लोग बने रहिए पूरा वीडियो को देखने के लिए। केक फिनिशिंग है तब तक बेस पे क्रीम लगा लेते हैं। बेस पे क्रीम लगाने के बाद टूथपिक से इसको डिजाइन करेंगे। एकदम सिंपल ही केक है, अब तक का सबसे सिंपल केक है ये। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आप लोग को, एकदम देख लीजिए पूरा वीडियो। आप एकदम सिंपल नहीं लगे तो बोलिएगा। डार्क रेड कलर से छोटा नोजल से ड्रॉपिंग करेंगे। उसके ऊपर फ्लावर का डिजाइन बना देंगे साइड साइड में कहीं कहीं पे। जैसे जैसे टूथपिक डिजाइन कर रहे हैं वहाँ वहाँ पे रेड कलर ड्रॉपिंग कर देंगे वीडियो में आप लोग जैसा देख रहे हैं वैसा। उसके बाद ग्रीन कलर का पत्ता मार देंगे नीचे। केक पूरा रेडी हो गया। गोल्डन का छोटा छोटा बॉल भी डाल देंगे इसमें, जैसे फोटो में था ऐसे सेम टू सेम ये केक बना है। केक का लुक बहुत ही अच्छा होगा पूरा पूरा रेडी होने के बाद। फोटो में रेड कलर का डिजाइन थोड़ा कमी था, थोड़ा ज़्यादा इसमें मार दे रहे हैं। 1.5 किलो केक है इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा मार दे रहे हैं। इसके बाद ग्रीन कलर का पत्ता मार देंगे साइड साइड में, पूरा केक खिल के आ जाएगा। उसके बाद गोल्डन कलर का बॉल डाल देंगे जगह जगह पे कहीं कहीं पे। पूरा केक रेडी हो जाए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। केक कैसा लगे एक बार कमेंट कीजिए।